मैं सीधा गिरिडीह का रुख कर रही हूं, मेरे साथ ऋषिकेश कुमार है, विनोद जंगदाले भी बने हुए हमारे साथ, उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले ऋषिकेश आपके पास, और ये सबसे शांत चुनाव कहा जाए जहां पर घुसपैठियों को लेकर इतना बवाल हो रहा था कि लग रहा था चुनाव में क्या होगा, सबसे शांत चुनाव देखने को मिल रहा है सुबह से झारखंड में। अभी अपडेट चुनाव का क्या है वहां पर ये बताइए ऋषिकेश, कैसा चल रहा है ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, क्योंकि जो वोटिंग ट्रेंड रहता है उसका सीधा सीधा नतीजों को लेकर के एनालिसिस किया जाता है। आशा, देखिए झारखंड में निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। जिस इलाके में मैं हूँ वो बेहद एक जमाने में नक्सल प्रभावित इलाका था, गिरिडीह का इलाका है, डुमरी विधानसभा है, और अब तक यहाँ 70% के आसपास वोटिंग हो गए हैं। हालांकि आखिरी का वक्त है, और बावजूद इसके देखिए कि डुमरी का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे मतदाताओं की जो कतार है वो लंबी है, महिलाएं इसमें हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार क्या झारखंड का जो ट्रेडिशन रहा है कि जो 5 साल सरकार चलाता है उसकी दोबारा वापसी नहीं होती है। तो यहाँ के आप लोग बताएं इस बार के चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? पूछिए क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है? हाँ नहीं, यहाँ चूंकि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को लोकसभा में 3.5 लाख वोट आते हैं, पूरे झारखंड का चुनाव एक तरफ, इस डुमरी का चुनाव एक तरफ, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है। तो मुद्दा क्या है, ये मैया सम्मान योजना या 5 साल कैसा सरकार आप लोगों के लिए काम की? होवे करेगा, कुछ ना कुछ होवे करेगा। जेएमएम का है, सॉरी जेएमएम बोलते हैं, जेल के एम का है, जयराम महतो। इस बार वो चुनाव में फैक्टर है? फैक्टर नहीं, उनका 100% निकलना तय है जयराम महतो का, उनका कहर है यहाँ पे डुमरी विधानसभा में। आप बताइए भाई साहब, आगे यहाँ जाइए, आप लोग बताइए सर इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? आज तक जेएमएम 2000 के बाद अभी सीट कभी हारी नहीं, बीजेपी ये सीट कभी जीती नहीं, तो झारखंड के चुनाव को लेकर अब तो आखिरी कुछ मिनट बच गए। इस बार बीजेपी का निकलना तय लग रहा है और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप लोग बताइए भाई साहब, मुद्दा क्या है आप लोगों का इस बार का चुनाव? सब ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि यहाँ एक इंडिपेंडेंट को 3.5 लाख वोट आते हैं 6 महीने पहले चुनाव में, यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती, तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं? सरकार करेगी, 5 साल में हमने बहुत सारे काम किए। अब सभी जनता अपना अपना प्रतिक्रिया दे रही है, जिसको जो उचित लग रहा है अपने हिसाब से मतदान करेगी। अच्छा, हाँ भाई साहब बताएं कुछ। हाँ भाई साहब, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के लिए? डुमरी के लिए वोटिंग है या फिर झारखंड बनाने के लिए या देश बनाने के लिए? डुमरी के लिए वोटिंग है। जरा पूछिए ना सोरेन परिवार पर, तो ये क्या सोचते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई तमाम चीजों पर। नहीं कि रोजगार यहाँ बड़े आदमी पब्लिक काम करे, यहाँ पे यहाँ से बाहर बाहर सब जाता कमाने, यहाँ यहाँ कुछ नहीं, स्थाई कमा के खाए गरीब आदमी यहाँ पर रहे, वैसे यहाँ सरकार कोई नहीं चाहता मेरे ख्याल से। पाँच साल परिवार की बड़ा चर्चा है इस बार, आदिवासी मुसलमान की बड़ा चर्चा है, तो ये सब मुद्दा है आप लोगों के लिए फिर लोकल इशू पर चुनाव? हम लोग का मुद्दा क्या है कि यहाँ पे रोजगार मिले, यहाँ का आदमी बाहर मत जाए कमाने के लिए, यहाँ बाल बच्चे यहाँ पर शिक्षा मिले अच्छा तक, यहाँ रहे, यहाँ से आदमी बाहर देखिए आज यहाँ है, आज यहाँ काम नहीं मिला चल के बाहर काम करने, तो सरकार का मतलब क्या है कि यहाँ पे दिए रोजगार पब्लिक को, खाने पीने के लिए अच्छा फैसिलिटी दे, अच्छा संस्कार दे, अच्छा रहने के लिए दे, सुविधा दे, नहीं हमको मेरे ख्याल से ऐसा सरकार यहाँ पे बना नहीं है, बनेगा तो अलग बात। लोग पूछते हैं कि 10 साल से यहाँ आजसू जो बीजेपी के समर्थित लोकसभा के सांसद, केंद्र में 10 साल की सरकार, फिर बीच में 5 साल की सरकार, ये 5 सरकार करे कि हमको 2 साल कोरोना में मिला, ठीक है, ये सरकार तो घोटाला भी किया है क्या? मैं वापस आपके पास ऋषिकेश आती हूँ, मुझे ठाणे भी जाना है, वहां पर विनोद जगदाली हमारे साथ मौजूद है, और महाराष्ट्र में भी गजब का घालमेल इस बार देखने को मिल रहा है, हिंदुत्व की विचारधारा और ध्रुवीकरण की राजनीति, ये तमाम चीजें, धर्म निरपेक्षता की राजनीति, इस पर पूरी की पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी थी और इसी हिसाब से एनालिसिस भी होगा, रिजल्ट भी इसी हिसाब से तय होगा। ठाणे में जहां पर मेरे सहयोगी विनोद मौजूद है, 7 सीटें कुल मिलाकर के, और ठाणे में ही एक सीट जो है वहां से खुद